बीकानेर जिले में हुए पंचायती राज चुनाव के तहत फोगल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शिवनगर में सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। यहां पर 21 वर्षीय कुमारी रोशनी 535 मतों से विजयी हुई हैं, जो कि सबसे कम उम्र की सरपंच चुनी गई हैं। सबसे कम उम्र की सरपंच कुमारी रोशनी ने टुडे 24 से खास बातचीत में कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। शिवनगर की नवनिर्वाचित सरपंच रोशनी मेघवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। बनी फोगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए, जहां पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। देर रात्रि रुझान आए, 37 उम्मीदवार यहां पर निर्वाचित हुए हैं। 37 जगह पर सरपंच बने हैं पुगल पंचायत समिति की। अलग अलग जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान होने की सूचना मिली है। बीकानेर जिले की पुगल पंचायत समिति की शिवनगर ग्राम पंचायत, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थे, यहां पर 21 वर्षीय रोशनी, जो इस समय चुनाव लड़ रही थी, जो कल देर रात्रि रिजल्ट आने के बाद विजेता हुई है। 21 वर्षीय जो 12वीं में इसी वर्ष उन्होंने उत्तीर्ण की है, और इसी साल उन्हें 12वीं की उत्तीर्ण कक्षा के बाद सबसे कम उम्र की बीकानेर जिले के अंदर सरपंच बनी है, जो इस समय हमारे बीच है। हम इनसे जानना चाहते हैं, आप सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है बीकानेर जिले के अंदर, आप लोगों से आपको बहुत सारी उम्मीद है, क्या ऐसा कार्य करेंगे ताकि आप 5 साल के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित कर सकें? सबको साथ लेकर ग्राम पंचायत की हर समस्या, जैसे कि बिजली, अस्पताल, पानी एवं अन्य जो भी सार्वजनिक कार्य हैं, उनको मैं जल्द से जल्द करवाऊंगी। इस गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बात करें बिजली की, चिकित्सा की, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी अनेक समस्याएं यहां ग्रामीणों ने टुडे 24 ने पहले भी इंटरव्यू किया था। इस क्षेत्र के अंदर बहुत समस्याएं हैं, आप प्राथमिकता से किस कार्य को महत्व देंगे? सबसे ज्यादा मैं शिक्षा को महत्व दूंगी, जिससे बालिका जो कि आज भी पिछड़ी हुई है, आज भी उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं मिल रहा है। यहाँ गांव में कई बालिकाएं हैं जो अभी भी घर पे हैं, उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है। इसलिए मैं स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था जल्द से जल्द कराऊंगी। सरपंच कुमारी रोशनी का कहना है कि सबसे पहली उनकी ये प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर इस ग्राम पंचायत के इस बालिकाओं, इन क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात इन्होंने कही है शुद्ध पेयजल को लेकर, इस दूर दराज ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल की आज भी कहीं न कहीं ग्रामीणों में दिक्कत है। एक बात करें तो यहाँ पर कोई GLR नहीं है, ऐसे में शुद्ध पेयजल किसी के घर में नहीं पहुँच पाता है। सरपंच की प्राथमिकता रहेगी कि शुद्ध पेयजल व शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। सरपंच रोशनी के भाई भी इस समय मौजूद हैं। आप इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी समस्या है, ऐसे क्या आप कार्य करवाएंगे ताकि ग्रामीणों का आप पर जो विश्वास जताया है, जो कर्ज दिया है, उसको किस तरीके से अदा करेंगे? आज हम इस शिवनगर पंचायत के सभी नागरिक का आभार है, हमें जो जीत दी है उनका भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम इस शिवनगर पंचायत में जो कार्य ऐसा करवाएंगे जिसे हमें मानो शाबाश मिलेगी, तो पानी है, लाइट है, और बैंक का कार्य है, डाकघर है, और खालों की डाट है, नरेगा, जो खालों का नरेगा का काम है, उसे भी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और भी काम, जैसे हमारे आवास योजना के जो भी फार्म निकलते हैं, तो उसे भी बहुत बहुत लोग को फ़ायदा नहीं मिला है, उसे भी हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसा छोटा छोटा काम भी है, तो उसे भी हम बहुत तेज़ी से लेंगे। उसी के कारण से हमें जनता आज शिवनगर का सरपंच हमारी बहन रोशनी को पद दिया है। पंचायत समिति से दूर दराज की ग्राम पंचायत होने के कारण विकास धरातल पर नहीं हो पाता है, ऐसे में इन सरपंच को कहीं न कहीं ये आश्वासन भी मिला है, और इनकी ये प्राथमिकता भी रहेगी कि इस दूर दराज ग्राम पंचायत में हम विकास के ऐसे आयाम स्थापित कर सकें ताकि जनता क्षेत्र में आगे और भी प्रगति करे। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।